हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज इस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति टॉपिक का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक में हमने पार्ट 1 में पहले फॉर्मूले डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हमने कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमिकाओं को सिद्ध किया था, और इसके बाद हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दो दो मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन आज हम केवल फार्मूले मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज है, मैंने आप लोगों को कहा था कि 10th जो टॉपिक है त्रिकोणमिति महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, नॉर्मली जिन फार्मूले पर आधारित है क्वेश्चन वे केवल इतने फार्मूले है, तो 10th के बच्चों के लिए केवल इतने महत्वपूर्ण फार्मूलों को अगर ध्यान देंगे तो आपको कोई भी प्रश्न बहुत आसान लगेगा। पूरा 6.1 मैं इसी पर आधारित इन्हीं फार्मूले पर सॉल्व करूंगा, तो इसलिए केवल आपके पास ये 3 त्रिकोणमिति समीकरण है, और ये आपको त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकरण है उनमें संबंध रिलेशंस पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। यदि cot थीटा इक्वल 40/9 तो cosec थीटा तथा sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिमाग में जैसे ही आप रीड करते हैं तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, भाई cot थीटा का cosec थीटा के साथ कोई रिलेशन है क्या? उस आप सामने फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो सामने दिख रहा है एक फॉर्मूला है, तो तुरंत हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और हम cosec थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, चूंकि आपको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 40/9, ये गिवन दिया हुआ है आपको, है दत्त है, हमें निकालना है cosec थीटा का मान, तो हमारे पास तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब हमें cosec थीटा निकालना है, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot थीटा का मान क्या है, 40/9 का स्क्वायर। अब इसलिए cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 40 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 1600 आएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 आएगा। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 1 81 प्लस 1600/81। अब cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1600/81/81। अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड का, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए आपके पास cosec थीटा का मान, तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा 41, और इसका वर्गमूल क्या आएगा 9, तो cosec थीटा का मान क्या आ गया 41/9। हम इसे पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे, तो हमने इसे दूसरे मेथड से भी किया है, समकोण त्रिभुज बनाकर किया है, तो उस मेथड को हमने दो प्रॉब्लम में किया है, थर्ड में मैं नहीं कर रहा हूं, केवल फार्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप उस मेथड से भी समझकर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझकर प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो ये cosec थीटा का मान आपको मिल गया, देखिए एक ही सूत्र का इस्तेमाल हुआ और आपको ये मान मिल गया। अब आपको sin थीटा ज्ञात करना है। अब जरा देखो ध्यान से, क्या cosec थीटा का sin थीटा से कोई संबंध है? बिल्कुल, देखिए यहां सामने दिख रहा है sin थीटा * cosec थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम तुरंत cosec थीटा की मदद से या सहायता से हम sin थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि sin थीटा या sin थीटा * cosec थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला है। अब बता, मुझे बताइए cosec थीटा का मान आपके पास आ गया 41/9, तो हम कहेंगे इसलिए sin थीटा * cosec थीटा का मान रख दीजिए 41/9 इज इक्वल टू 1। देखिए केवल दो फार्मूलों की सहायता से, ये फार्मूला और ये फार्मूला की सहायता से एग्जैक्टली आप मान ज्ञात करें, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 * देखिए यहां पर ये * है, उस तरफ जाएगा * होगा तो उल्टा हो जाएगा 9/41, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9/41। तो ये कितना आसानी से आपको देखिए cosec थीटा और sin थीटा का मान मिल गया। तो अब ये फार्मूलों की सहायता से हम कंटिन्यूड 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये केवल 3 फार्मूले और ये 5 फार्मूले अगर आपको याद है तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 6.1 का जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं केवल 3 फार्मूले पर आधारित। मैं पूरे टॉपिक की बात कर रहा हूं जो दिया हुआ है,
इतना ही दिया हुआ स्टेट बोर्ड में, तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब आप आ रहे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो sec थीटा cos थीटा एंड sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा है कि हम इन सूत्रों का ही उपयोग करने वाले हैं, तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमें दिया 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। करना क्या है, सिंपली पहले इस अनुपात की सहायता से जो भी आपको समीकरण दिया है या इक्वेशन दिया है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं किसका मान ज्ञात होता है। तो 5 sec थीटा इज इक्वल टू ये माइनस 12 cosec थीटा ट्रांसफर होगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 cosec थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, ये 5 अपॉन 12 कर लेते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। भाई देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा यही आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। अब 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू cosec थीटा का मान रखा जाए, तो भाई यहां पे sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा या sin थीटा हो जाएगा, तो भाई cosec थीटा की प्लेस पर रख रहा हूं 1 अपॉन sin थीटा। वैसे sec थीटा है तो sec थीटा की जगह क्या है लोगों, sec थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनटू में इस तरफ जाएगा तो अपॉन में आएगा, तो sec थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन cos थीटा। ये देखिए 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा cos थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू cos थीटा उनजा cos थीटा अपॉन sin थीटा उनजा sin थीटा। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा कहां दिख रहा है आपको, ये देखिए यहां दिख रहा है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा की क्या वैल्यू है, cot थीटा है, तो मैं इसके प्लेस पे क्या रखूंगा, cot थीटा। तो हमें एक अनुपात का मान मिल गया, cot थीटा मिल गया हमें, और नहीं हमें तो cot थीटा फिलहाल ज्ञात नहीं कर रहा, लेकिन एक अनुपात हमें मिल गया। अब हम इस अनुपात की सहायता से फटाफट हम दूसरे इन अनुपातों का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, cot थीटा का किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई संबंध है क्या, बिल्कुल है। देखिए ध्यान से, cot थीटा मिल गया हमें, तो हम cot थीटा की मदद से क्या ज्ञात कर लेते हैं यहां पर, तो हम sin थीटा ज्ञात कर सकते हैं पहले, क्या हम कहेंगे यहां, इसमें देखो इसमें भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले यहां देखिए cot थीटा की मदद से हम tan थीटा cot थीटा की मदद से हम cosec square थीटा निकाल सकते हैं, जो कि cosec थीटा मिल गया तो फिर sin थीटा मिल जाएगा, बहुत सारे रास्ते इसके हैं, हम यहां पे आगे बढ़ते हैं केवल। तो देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, चूंकि cosec square थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot square थीटा, cot square थीटा ये फॉर्मूला देखिए। अब हम क्या करेंगे, cosec square theta is equal to 1 plus cot theta की वैल्यू क्या है, 5 upon 12 ये square, therefore cosec square theta is equal to 1 plus 5 का square 25, 12 का square 144, therefore cosec square theta is equal to 144 plus 25 upon 144, cross multiplication हो गया। अब हम क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 अपॉन 144, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, इसका स्क्वायर रूट 13, इसका स्क्वायर रूट 12, ये cosec थीटा मिला है। आप बोलोगे सर cot थीटा निकाला, cosec थीटा निकाला, पूछा है क्या, नहीं पूछा है, लेकिन देखिए इसके मिलने से अब आसानी से हमें इन्हीं फार्मूले में चलना है। अब अगर हमें cosec थीटा मालूम है तो हमें sin थीटा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पहले। तो देखिए यहां पे फार्मूला आपके पास है, चूंकि sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, अब हमें sin थीटा तो ज्ञात करना है, तो cosec थीटा का मान रख दो आप इज इक्वल टू 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू करोगे तो 12 अपॉन 13, एग्जैक्टली क्या जाएगा फिर 12 अपॉन 13 ही रहेगा, इसलिए sin थीटा का मान क्या आ गया आपके पास 12 अपॉन 13। तो देखिए एक तुरंत मिल गया आपको sin थीटा मिल गया, और अब sin थीटा मिल गया तो तुरंत cos थीटा मिल जाएगा। देखिए यहां पर मान दीजिए 5 अपॉन 12 इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा,
क्वेश्चन में है ना आपके पास, तो आप इसमें रख करके तुरंत कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, चूंकि कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, फाइव अपॉन ट्वेल्व है। अब मैं यहां पर कॉस थीटा अपॉन सिन थीटा का मान अभी भी निकाला मैंने, ट्वेल्व अपॉन थर्टीन इज इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व। तो क्या करूंगा मैं, देखिए मैं यहां कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व, ये अपॉन में इंटू करेगा तो ट्वेल्व अपॉन थर्टीन हो जाएगा, ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल क्या गया, फाइव अपॉन थर्टीन। ये तो कॉस थीटा भी मिल गया आपको, कॉस थीटा मिल गया। अब क्या निकालना है, सेक थीटा, अगर कॉस थीटा मिल गया तो सेक थीटा भी मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि इसका रिलेशन देखिए यहां पर है, कॉस थीटा और सेक थीटा का क्या रिलेशन है, ये रिलेशन यहां पर है। तो देखेंगे चूंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, अब कॉस थीटा फाइव अपॉन थर्टीन इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, देयरफॉर सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वन इंटू फाइव अपॉन थर्टीन अपॉन फाइव हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इस तरफ जाके, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलो, थर्टीन अपॉन फाइव। तो देखिए इस प्रकार से तीनों त्रिकोण के तीन पार्ट जो आपको ज्ञात करने थे मिल गए। तो हमने क्या किया, इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल किया ना, तो ध्यान दीजिए आसानी से आप फार्मूलों के इस्तेमाल से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस तरह से हम चाहे तो संपूर्ण त्रिभुज वाला जो मेथड है उस विधि से जाए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर वन और टू सॉल्व किया है पार्ट थ्री और फोर में, तो उस मेथड से करेंगे तो भी बड़ी आसानी से आ जाएगा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय। प्लीज जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, आप जैसा सुझाव देंगे और उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।